प्रणाम दोस्तों, मैं दुर्गेश नागर आप सभी संगीतकारों का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम राग भोपाली की सरगम अर्थात स्वर मालिका को पहले बिना ताल में देखेंगे, फिर ताल के साथ देखेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। स्वर मालिका को नोटेशन के साथ आपको देने वाला हूँ, वीडियो के साथ बने रहें। आइए शुरू करते हैं। तो 16 मात्रा की ये सरगम है और 3 ताल के साथ इसको गाना है। ले आप मध्य ले कर सकते हैं, 100 या 110 120 टेम्पो पे आप इसको गा सकते हैं। नवी मात्रा से अर्थात खाली समय उठाना है और सम जो है, जहाँ पर सम है वहाँ पर मैंने क्रॉस से दिखाया हुआ है, तो आप उस तरीके से गा सकते हैं। पहले खंड में 0 लिखा हुआ है अर्थात नवी मात्रा, फिर दूसरे खंड में 3 लिखा है अर्थात वहाँ पर 13वीं मात्रा है, मतलब वहाँ पर ताली है। उसके बाद क्रॉस लगा हुआ है अर्थात पहली मात्रा पर क्रॉस है। उसके बाद 2 लिखा हुआ है अर्थात वहाँ पर दूसरी ताली अर्थात 5वीं मात्रा है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले बिना ताल के देख लेते हैं, उसके बाद ताल के साथ। आइए शुरू करते हैं। पासे लेना है। पा ग रे सा रे ध सा रे ग पा ग धा प ग ग। फिर से देखिए, पा ग रे सा रे ध सा रे ग पा ग धा प ग ग। सेकंड लाइन, रे ग प ध सा रे सा ध सा प ध प ग रे सा रे ग प ध सा रे सा ध सा प ध प ग रे सा प ग रे सा रे ध सा रे ग प ग ध प ग ग। इस तरीके से आइए अंतर देखते हैं। अंतर भी हमें नवी मात्रा से उठाना है। पा ग प द प सा स द द स रे ग रे सा सा। फिर से देखिए, प ग प द प सा स द द स रे ग रे सा सा ग ग रे सा रे ध सा प ध सा द प ग रे सा रे ग ग रे सा रे ध सा प ध सा द प ग रे सा रे ध सा रे ग प ध सा प ध प ग रे सा ध सा रे ग प ध सा प ध प ग रे सा प ग रे सा रे ध सा रे ग। इस तरीके से ओके। आइए ताल के साथ देखते हैं। वाई शुरू करते, 3 ताल यहाँ पर प्ले हो रही है, तो नवी मात्रा से हमें उठाना है। देखिए कैसे, धिन धा 1 2 3 4 5 6 7 8 पा ग रे सा रे ध सा रे ग पा ग धा प ग ग पा ग रे सा रे ध सा रे ग पा ग धा प ग ग रे ग प ध सा रे सा ध सा प ध प ग रे सा रे ग प ध सा रे सा ध सा प ध प ग रे सा। फिर से देखते हैं।